कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स पर। CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। आप अपने नज़दीकी बुक डिपो में जाकर के इस आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट से भी इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर फरवरी 2024। सबसे पहला है आपका धान और मक्का खरीदी, खरीफ विपणन वर्ष 2023-24। यहाँ पर मुख्य बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर धान खरीदी और यहाँ पर मक्का खरीदी से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसे मार्कफेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में मार्कफेड देगा या फिर ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ देगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी करने वाली संस्था कौन सी है, या ऑप्शन में मार्कफेड आएगा या फिर ऑप्शन में आपको छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, ये ऑप्शन में आपको देगा। ठीक है, मक्का खरीदी करने वाली संस्था का नाम है मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है, मक्का खरीदी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से मक्का की खरीदी की जाती है प्रदेश में। खरीदी का समय, धान खरीदी का जो समय निर्धारित किया गया था वो था आपका 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक। प्रारंभ में यह तिथि निर्धारित किया गया था। धान खरीदी की जो तिथि निर्धारित की गई थी प्रारंभ में, वो था 1 नवंबर 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक। बाद में 4 दिन का अतिरिक्त समय और बढ़ा दिया गया, यानी कि 4 फरवरी 2024 तक धान की खरीदी हुई इस खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी की तिथि क्या थी। तो 1 नवंबर 2023 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक धान की खरीदी हुई। मक्का खरीदी की जो तिथि निर्धारित है वो है आपका 1 नवंबर 2023 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक। ठीक है, 28 फरवरी 2024 तक मक्का खरीदी की तिथि निर्धारित की गई थी। समर्थन मूल्य, हमारे प्रदेश में धान की खरीदी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है वो है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो है आपका 2183 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 2203 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद उन्होंने घोषणा किया कि प्रदेश में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी, और इन्होंने जो घोषणा किया था उस पर अमल भी कर रहे हैं। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो एक्स्ट्रा बची हुई जो आपकी राशि है, अंतरण की जो राशि बची है, उसे अब किसानों को ट्रांसफर किया जाएगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि तो वितरित कर दी गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा बची हुई राशि है, यानी कि जो उन्होंने घोषणा किया हुआ 3100 रुपए प्रति क्विंटल, उस पर प्रदेश सरकार ने धान खरीदी की। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ठीक है, कि आप अपने अपने राज्य में किसानों से कम इतने मूल्य पर धान खरीदी करेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस MSP के अलावा भी एक्स्ट्रा राशि दे करके 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की घोषणा की थी, और इस घोषणा पर ये अमल भी कर रहे हैं। अभी मार्च, शायद 4 मार्च का न्यूज़ था, जिसमें आया है कि जो लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले जो शेष राशि है वो किसानों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे 3100 रुपये, यानी कि 2183 में 3100 इसको माइनस करेंगे, 3100 में 2183 रुपए को माइनस करेंगे, तो
तो लगभग 917 रुपए, ठीक है 917 रुपए, तब जाकर के 3100 रुपए प्रति क्विंटल होगा, ठीक है। और ग्रेड ए के धान में 897 रुपए, इसमें 897 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करेंगे तब जाकर के आपकी 3100 रुपए की राशि होगी, ठीक। तो ये जो बची हुई जो एक्स्ट्रा राशि है ये प्रदेश सरकार ट्रांसफर करेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। प्रदेश में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रदेश सरकार के द्वारा धान की खरीदी की गई। केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित था? सामान्य धान के लिए 2183 रुपए, ग्रेड ए के लिए 2203 रुपए, जबकि प्रदेश सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की है। शेष अंतरण राशि कितनी है? 2183 रुपए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार 917 रुपए अतिरिक्त देकर के 3100 रुपए की दर से खरीद रही है। ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2203 रुपए, प्रदेश सरकार अतिरिक्त 897 रुपए देकर के 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस धान की खरीदी कर रही है, ठीक। मक्का खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाए तो मक्का खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था 2090 रुपए, ठीक है 2090 रुपए की दर से प्रदेश में मक्का की खरीदी की गई। अब अधिकतम सीमा, यानी कि एक किसान से एक एकड़ से अधिकतम कितनी धान की खरीदी की जा सकती है, ठीक है। जैसे कि धान खरीदी से पहले किसानों का अपना पंजीयन कराना पड़ता है, ठीक है, अपने भूमि का ब्यौरा देना पड़ता है कि उनके पास कितनी एकड़ जमीन है। तो एक किसान से एक एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी की गई, ठीक है, जबकि मक्का की खरीदी 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से की गई। देखिए आसपास के राज्यों की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए जो राज्य है जैसे कि उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो आसपास के राज्यों के कंपैरिजन में हमारे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। तो इससे क्या होता है कि आसपास के राज्यों के जो किसान हैं वो सीमा पार करके हमारे छत्तीसगढ़ में धान खपाने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो इससे बचने के लिए ये रखा गया है आपका मैक्सिम, ये जो है आपका अधिकतम सीमा रखा गया धान खरीदी का। अब मान लीजिए एक किसान के पास 5 एकड़ है, ठीक है 5 एकड़ है, तो उससे कितना 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कितना खरीदी होगा आपका 105 क्विंटल उससे खरीदेंगे। अगर ये सीमा निर्धारित नहीं रहेगी तो एक किसान एक एकड़ के पीछे वो चाहे तो फिर आपका 30 क्विंटल 40 क्विंटल कितना ही बेच सकता है, यानी कि जो बाहर वाले जो है वो यहाँ के किसानों से साठगांठ करके प्रदेश में धान खपाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम आपका लिमिट इसमें सेट किया गया है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो है प्रदेश में धान खरीदी की जाएगी। अगर एक किसान के पास 5 एकड़ है तो 5 × 21, ठीक। पहले ये था आपका 15 क्विंटल, बाद में बढ़ा करके किया गया, बाद में कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था 20 क्विंटल का, फिर 20 से अब जो नई सरकार बनी है बीजेपी सरकार, उसने जो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की घोषणा की थी और उसी दर से धान खरीदी की गई है इस आपके खरीफ विपणन वर्ष में। मक्का खरीदी का जो आपका अधिकतम सीमा था वो था 10 क्विंटल प्रति एकड़, ठीक। धान खरीदी की अगर हम लक्ष्य की बात करें तो धान खरीदी का प्रारंभ में लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी कि जब खरीदी प्रारंभ भी नहीं हुई थी, जब शुरुआत भी नहीं हुआ था, तब धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 125 लाख मेट्रिक टन। कितना? 125 लाख मेट्रिक टन। बाद में जब धान खरीदी शुरू हुई उस बीच में इस लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया 130 लाख मेट्रिक टन। प्रारंभ में 125 था, बाद में बढ़ा करके कर दिया गया 130 लाख मेट्रिक टन, ठीक है। और 130 लाख मेट्रिक टन जो टारगेट सेट किया गया था उसको क्रॉस करके प्रदेश में इस विपणन वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, आगामी आने वाले सभी एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश में कुल कितने मेट्रिक टन, कितने लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई, तो 144.92 लाख। देखिए या तो आपको ऑप्शन में 144.92 लाख मेट्रिक टन लिखा हुआ आएगा ऑप्शन में, या फिर इसको राउंड फिगर करके ये कर देगा 145 लाख मेट्रिक टन। कई बार ऑप्शन में जो है ये डेसिमल को राउंड ऑफ कर देता है, ठीक है, तो 145 या फिर 144.92, 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई। जो भी आंकड़ा बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धान खरीदी का मुद्दा काफी हाईलाइट में रहा चुनाव के समय में, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है।
कब से कब धान की खरीदी हुई, कौन सी संस्था धान की खरीदी कर रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने कितना निर्धारित किया था, राज्य सरकार ने किस मूल्य पर धान की खरीदी की है, ठीक है, सामान्य जो आपका सामान्य धान का जो केंद्र सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था उसमें कितनी अतिरिक्त राशि प्रदेश सरकार प्रदान करके 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है, ग्रेड ए में कितना अतिरिक्त राशि प्रदेश सरकार प्रदान करके 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है, ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, 917, 897 सब याद रखना है। लक्ष्य कितना निर्धारित था, 130 लाख मैट्रिक टन, खरीदी कितनी हुई, 144.92 लाख मैट्रिक टन, पिछले वित्तीय पिछले जो आपको खरीफ विपणन वर्ष था उसमें 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, पिछले साल की बात कर रहा हूं, उसके कंपैरिजन में कम धान की खरीदी हुई, 107.53 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, टारगेट ज्यादा था लेकिन खरीदी थोड़ी कम हुई, इस बार टारगेट 130 था, खरीदी ज्यादा हुई, और ये अब तक प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। मक्का के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता हमारे प्रदेश में, जो भी खेल जो भी घोषणाएं होती है यानी कि जो भी राजनीतिक मुद्दा बनता है वो धान को लेके बनता है, मक्का की खरीदी यहाँ पे प्रदेश सरकार कर रही है लेकिन लक्ष्य कितना निर्धारित कर रही है, खरीदी कितना हुआ, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, ना ही कोई न्यूज़पेपर में हाईलाइट में आता है और ना ही कोई किसी चुनावी घोषणाओं में या किसी राजनेता के द्वारा इस पर कोई घोषणा टीका टिप्पणी कुछ नहीं की जाती, ठीक है, तो इसको ब्लैंक रखा है मैंने, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसी धान खरीदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रदेश में धान खरीदी के लिए कुल कितने उपार्जन केंद्र या खरीदी केंद्र बनाए गए थे इस खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में, तो याद रखिएगा 2739 उपार्जन केंद्र या धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो इकोनॉमिक सर्वे की जो मेरी भी बुक आ रही है उसमें मैंने यही डाटा मेंशन किया हुआ है, 2739 आपके धान खरीदी केंद्र बनाए गए थे लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में 2735 दिया हुआ है, ठीक है, 2735 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई, लेकिन जो धान खरीदी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है 4 फरवरी को जो लास्ट डाटा रिलीज हुआ उसमें मेंशन किया गया है कि 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से टोटल 144.92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, ठीक है, आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आपको यही डाटा याद रखना है, ठीक, 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई है, राज्य सरकार के द्वारा प्रति बारदाने के लिए 25 रुपये का किसानों को भुगतान किया गया, बारदाना का मतलब जिस बैग में जिस बड़े साइज के बोरे में धान भरा जाता है उसे कहा जाता है बारदाना, तो एक बारदाना के लिए 2500 रुपये किसानों को भुगतान किया जाता है। अब देखिए हमारे प्रदेश में 144.92 लाख मैट्रिक टन ये धान की खरीदी हुई, इसमें सर्वाधिक धान की खरीदी किस जिले से हुई पूछा जाए तो याद रखिएगा इस खरीफ विपणन वर्ष में सर्वाधिक धान की खरीदी महासमुंद जिले से हुई, महासमुंद जिले से 11.28 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। सेकंड नंबर पर है बेमेतरा, बेमेतरा जिले से जो है 9.34 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई, और थर्ड नंबर पर है बलौदाबाजार, बलौदाबाजार जिले से जो है 8.72 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई, ठीक है। अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा जो है आपका जांजगीर चांपा के नाम रहता था, जांजगीर चांपा से पृथक होकर के बन गया आपका शक्ति, ठीक है, इसलिए जांजगीर चांपा लिस्ट से बाहर हो गया, क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 साल पिछले कुछ विगत वर्षों की बात करें तो हमेशा टॉप में जांजगीर चांपा रहता था, लेकिन इस बार का अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग चेंज हो गया है, महासमुंद जिले से सर्वाधिक धान की खरीदी हुई, सेकंड नंबर पर है बेमेतरा जिला और थर्ड नंबर पर है आपका बलौदाबाजार जिला, ठीक। सबसे कम धान की खरीदी किन जिलों से भी पूछा जाए तो सबसे कम धान की खरीदी हुई दंतेवाड़ा जिले से, मात्र 27,000 या 0.27 लाख मैट्रिक टन, ठीक है। नारायणपुर जिले से 29,000 मैट्रिक टन या 0.29 लाख मैट्रिक टन, और आपके सुकमा से हुआ 73,000 मैट्रिक टन या 0.73 लाख मैट्रिक टन, ठीक। तो जितने डाटा बता रहा हूँ सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, ये सर्वाधिक धान की खरीदी किस जिले से हुई ये भी एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किस जिले से सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है, तो कहाँ से हुई है, महासमुंद जिले से सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं,
नेक्स्ट है आपका राजिम कुंभकल्प मेला। राजिम कुंभकल्प मेला यह आयोजित होगा आपके 24 फरवरी से लेकर के 8 मार्च 2024 तक, ठीक है, 24 फरवरी से लेकर के 8 मार्च 2024 तक इस राजिम कुंभकल्प मेले का आयोजन हो रहा है, ठीक है, शुरू हो चुका है। ये जो है प्रतिवर्ष जो राजिम कुंभकल्प जो मेला है, ये प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक, माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक इस राजिम कुंभकल्प मेले का आयोजन होता है, ठीक है। प्रतिवर्ष जो है माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के दिन तक, यानी कि 24 फरवरी को आपका माघ पूर्णिमा रहता है और 8 मार्च को इस साल आपका 24 फरवरी को इस बार जो है माघ पूर्णिमा था और 8 फरवरी को इस बार महाशिवरात्रि है, तो इस बीच में आपका राज्य में कुंभ का आयोजन किया गया। ये जो आपका आयोजन इसका स्थल है यह त्रिवेणी संगम पर, राजिम में जो महानदी पैरी और सोंढूर नदी का जो त्रिवेणी संगम है उस संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। देखिए जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने राजिम कुंभ मेले का नाम परिवर्तित करके राजिम माघी पुन्नी मेला रख दिया था, ठीक है। शुरू में जो है इसे राजिम कुंभ मेले के नाम से जाना जाता था, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई, यानी कि भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई, तब उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके राजिम माघी पुन्नी मेला रखा, ठीक है। जब प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से इसका नाम परिवर्तित करके राजिम माघी पुन्नी मेले से परिवर्तित करके क्या रख दिया है, राजिम कुंभकल्प मेला। इसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि जो हमारे प्रदेश में ये जो माघ पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा के दिन माघी पुन्नी के नाम से बहुत से स्थानों पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। माघ पूर्णिमा के दिन हमारे प्रदेश के अलग अलग बहुत से स्थानों पर, बहुत से आपके संगम स्थानों पर, नदियों के तट पर जो है माघ पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान का भी आयोजन होता है और इस दिन मेला भी भरता है, लेकिन राजिम का मेला उन सभी मेलों से काफी हटकर है, तो इसे राजिम माघी पुन्नी मेला ना कह करके अब से इसे कहा जाएगा राजिम कुंभकल्प मेला, ठीक है। उन्होंने यही तर्क दिया कि हमारे प्रदेश के बहुत से स्थानों पर आपका माघ पूर्णिमा या माघी पुन्नी के नाम से मेले का आयोजन होता है, ठीक है, और राजिम का जो मेला है, राजिम का जो स्नान है, जो पवित्र स्नान की जो तिथि, पवित्र स्नान की जो तिथि निर्धारित की गई है, यह अन्य माघी पुन्नी मेले से अलग है, तो इसका नाम परिवर्तित करके दे दिया गया है आपका राजिम कुंभकल्प मेला, ठीक है। इसको पूरा नाम दिया गया है रामोत्सव राजिम कुंभकल्प 2024, ठीक है। शाही स्नान की जो तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि जो त्रिवेणी संगम है उसमें स्नान किया जाएगा माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी, बीच में रहेगा आपका जानकी जयंती जो कि 4 मार्च को, और एक है आपका महाशिवरात्रि जो कि 8 मार्च को। इन तीन तिथियों में त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान का आयोजन होगा, यानी कि इस दिन में जाकर के स्नान करना पवित्र माना जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस किस तिथि को किस किस दिन, एक तो माघ पूर्णिमा के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, और बीच में है आपका जानकी जयंती, इस दिन में जो है शाही स्नान का आयोजन किया गया है। माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक इस मेले का आयोजन होता है, ये तो याद रखना ही है, लेकिन इस बार आपके राजिम कुंभकल्प मेले का आयोजन किस तिथि को वो पूछा जाए, तो 24 फरवरी से लेकर के 8 मार्च के बीच इस मेले का आयोजन हुआ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका महतारी वंदन योजना, काफी हाईलाइट में रहा महतारी वंदन योजना। यह लागू हुआ है आपके 1 मार्च 2024 से। 1 मार्च 2024 से पूरे प्रदेश में इस महतारी वंदन योजना को लागू कर दिया गया, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस महतारी वंदन योजना को लाया गया है। पूरे प्रदेश में यह 1 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया है। इसे लॉन्च किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, डेट आया है 8 मार्च का। देखिए अभी तक तो डेट निर्धारित है कि इसे जो है 8 मार्च को जो आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एक क्लिक करके सभी के खातों में पैसा भेजना, ये कहा जाता है डीबीटी, ठीक है। तो ये ऑफिशियली किया जाएगा आपके 8 मार्च को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो वर्चुअल तरीके से या यहाँ पर आ करके एक क्लिक करके सभी के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो है प्रधानमंत्री। हो सकता है कि ये डेट चेंज हो जाए,
उनके समय पर निर्धारित करता है। अभी तक तो यही घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन हो सकता है कि डेट आगे या पीछे हो जाए, वो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है उनके समय के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन फिलहाल डेट डिसाइड किया गया है आपका 8 मार्च, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन 1 मार्च 2024 को ये पूरे प्रदेश भर में यह लागू हो चुका है योजना। ठीक, अब इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो, महिलाओं की बात हो रही है ना, महतारी वंदन योजना केवल महिलाओं के लिए है, एक तो याद रखना। बीच में एक न्यूज आया था, एक पुरुष ने जो है महतारी वंदन योजना का फॉर्म भर दिया है, उसका कहना है कि मैं राशन कार्ड धारी हूं, मेरे घर में कोई भी महिला नहीं है तो इसका मतलब क्या, मैं योजना का लाभ नहीं ले सकता? तो उसने अपना बकायदा फोटो चिपका करके फॉर्म भरा है, वो तो बाद में फिर रिजेक्ट हो गया। लेकिन याद रखना कि महतारी वंदन योजना केवल महिलाओं के लिए है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। इसमें डिसाइड किया गया है न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। ठीक है, जिस वर्ष में जिस तिथि को वह फॉर्म सबमिट कर रही है उस वर्ष के 1 जनवरी तक उस महिला की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला यानी कि ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होगी। ठीक, लाभार्थी यानी कि जिन महिलाओं को आवेदन सेलेक्ट होगा उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह यानी कि सालाना 12,000 रुपये इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। विशेष सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने की स्थिति में शेष अंतर की राशि भुगतान की जाएगी। अगर आप मेरे को मालूम है आप में से मैक्सिमम लोगों के घर में महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा होगा, उसमें बकायदा एक उसमें कॉलम दिया गया था कि जो हितग्राही है वो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रही है या नहीं, हाँ या ना में टिक करना था। तो उसमें क्या है, अगर आप छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 16 पढ़ेंगे जो कि आपके सामाजिक सहायता से ही संबंधित है, उसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, ठीक है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी योजनाएं दी गई है। तो वही बोल रहा है सामाजिक सहायता कार्यक्रम या समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो कि महिलाओं से संबंधित है, जैसे इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, परित्यक्त महिलाओं के लिए भी जो है मुख्यमंत्री सहायता योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं संचालित है। अगर उन योजनाओं का महिलाएं लाभ ले रही है, उसके माध्यम से अगर वो पेंशन उठा रही है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी योजना के तहत उस महिला को पेंशन के रूप में 500 रुपये प्रति माह मिल रहा है, उसने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है, तो उसे ऑलरेडी किसी एक पेंशन योजना के तहत 500 रुपये प्रदेश सरकार दे रही है, तो महतारी वंदन योजना में उसे अतिरिक्त 500 रुपये मात्र दिया जाएगा, 1,000 रुपये नहीं दिया जाएगा। ठीक है, टोटल अगर आप राउंड करेंगे इसको जो ऐड करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 1,000 पेंशन की राशि के अतिरिक्त राशि दे करके टोटल उसे 1,000 किया जाएगा। ठीक है, वही लिखा गया है कि पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1,000 से कम पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यह है आपका महतारी वंदन योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्योता भोजन योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही आगे आने वाले कुछ एग्जाम में। ठीक है, हाईलाइटेड भी है और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, क्योंकि ये अभी सालों साल चलने वाली योजना है, नई सरकार बनी है ये, अब आप बोलेंगे कि ये जो करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो योजनाएं पढ़ा रहा हूँ ये कुछ महीनों के लिए है, नहीं, अब नई सरकार बनी है तो अगले साल के एग्जाम में भी किस तिथि को लागू हुआ यानी कि महतारी वंदन योजना किस तिथि को लागू हुआ, किस डेट पे लॉन्च हुआ, ठीक है, न्योता भोजन योजना किस तिथि को लागू किया गया, इससे संबंधित प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कोई एग्जाम है हमारा सामने आने वाला, एक पर्टिकुलर एग्जाम है, उसमें कितने महीने पुराने का आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। एक चीज याद रखना, जब कभी भी सत्ता परिवर्तन होता है, सरकार चेंज होती है, उनके द्वारा जब कभी भी कोई नई योजनाएं लाई जाती है तो उनके द्वारा लाई गई नई योजना उनके पूरे कार्यकाल भर में पूछा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कल परसों का ही एक आपका एग्जाम का पेपर देख रहा था, सीएसईबी का पेपर था,
उसमें महात्मा गांधी रूलर इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस तिथि को लागू हुआ, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है और पुरानी योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम थी। उसमें एक साल पहले करंट अफेयर पूछा, ठीक है, प्रदेश का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट कहाँ स्थापित किया गया, वो भी एक साल पहले का करंट अफेयर था, ठीक। तो जो मैं स्पेशली योजनाओं की बात कर रहा हूँ, अब नई सरकार बन गई है, जैसे न्योता भोजन योजना कब की योजना, 2024 की, 2026 के भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर ये योजना चलते रहेगा तो, कि प्रदेश सरकार के द्वारा जो है न्योता भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, किस तिथि को हुई। जैसे कि जब आपका गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी तो गोधन न्याय योजना कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में लगातार पूछा गया। देखिए क्वेश्चन पेपर किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं करता है कोई भी क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो जो योजना कितना हाईलाइट हो रहा है, उसके पीछे क्या अपडेट आ रहे हैं, उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस आधार पर जो है उन योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता है, लेकिन अगर कोई योजना कोई रिवॉल्यूशन लेकर के आ रहा है, जैसे कि गोधन न्याय योजना एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, किसानों से जो है आपके गोबर से फिर कंपोस्ट से फिर आपके गौमूत्र खरीदी, बहुत सारी चीज़ें लिंक थी, ठीक है। उससे गौठानों का निर्माण किया, गौठानों से जो है आपके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बने, तो कुछ ऐसी योजनाएं जो रिवॉल्यूशन लेके आते हैं तो वो सालों साल करंट अफेयर बने रहेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी भी बैठ के गोधन न्याय योजना पढ़ेंगे, क्योंकि जब नई सरकार बनी तो उन्होंने पुरानी बहुत सी योजनाओं को बंद कर दिया है, जैसे कि राजीव गांधी मितान क्लब प्रदेश सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, ठीक। तो जो न्योता भोजन योजना है इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्म जयंती के अवसर पर उनके द्वारा शुरू किया गया। इस योजना को उन्होंने अपने ग्राम निवास, जो उनका बगिया ग्राम जशपुर में है, वहां पे एक आश्रमशाला है, ठीक है, आश्रमशाला है, वहां पर जो है इन्होंने इस न्योता भोजन योजना की शुरुआत करी है। इस योजना का जो संचालन है ये शाला विकास समिति, यानी कि हर एक गवर्नमेंट स्कूल में एक शाला विकास समिति का गठन किया जाता है, उस शाला विकास समिति के माध्यम से इस न्योता भोजन योजना का संचालन किया जाएगा। ये जो योजना है ये योजना प्रधानमंत्री पोषण शक्ति में समुदाय की भागीदारिता जोड़ने हेतु न्योता भोजन की अनूठी पहल की गई है। सॉरी, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत सरकारी स्कूलों में खाना प्रदान किया जाता है। पहले मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के नाम से चलता था, उसका नाम परिवर्तित करके आपका प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना कर दिया गया। जो मिड डे मील दिया जाता है स्कूलों में, जो पढ़ने के लिए जो बच्चे जाते हैं, जब उनकी लंच जो रिसेस की जो छुट्टी होती है उसमें शाला में ही खाना बना करके या बाहर से खाना ला करके बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि शहरी क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर चलता है अक्षय पात्र, और ग्रामीण स्कूल की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर जो है एक शाला विकास समिति के द्वारा एक महिला नियुक्त या एक रसोईया नियुक्त किया जाता है जो कि खाना बना करके देता है बच्चों को। ये पोषण शक्ति प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत होता है, लेकिन ये क्या है, केंद्र सरकार की योजना है। अब इसमें जन समुदाय यानी कि आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, आम जनता की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बर्थडे के दिन या अपने एनिवर्सरी के दिन गरीबों में चादर वितरण कर रहे हैं, ठीक है, या वृद्धाश्रम में जाकर के खाना खिला रहे हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो देखिए जो आपकी राज्य सरकार है उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके पास कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा ही फंड मिल रहा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत, जिसके द्वारा वो बच्चों को खाना दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई अन्य यानी कि समुदाय के लोग या कोई आम जनता अपने किसी विशेष तिथि में या जनरली स्कूल के बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं तो वो इस न्योता भोजन योजना के तहत एक डेट डिसाइड करके वे शाला विकास समिति को बता देंगे। शाला विकास समिति उस डेट में उनके द्वारा जो भोजन वितरण किया जाएगा उन्हें बच्चों को देंगे। ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य, न्योता भोजन योजना, ठीक है। इसमें आम समुदाय की भागीदारी जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ऐसा नहीं है कि स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर खाने की कोई कमी है,
उनको भरपूर पोषण मिल रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, उसके तहत मिल रहा है। लेकिन अगर कोई आम जनता या कोई समुदाय उस स्कूल के बच्चों को अलग से खाना खिलाना चाहती है तो उसके लिए लाया गया है न्योता भोजन योजना। ठीक है, योजना क्या है? समाज के अग्रणी वर्ग, यानी कि जो आपके अच्छे रहीस धन्ना सेठ वाली बात हो रही है, ठीक है, या सक्षम लोग के जरिए न्योता भोजन में पौष्टिक रुचिकर खाद्य सामग्री स्कूल बच्चों को अब नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई चाहता है कि मैं नियमित या पूरा महीना भर या दो महीना या साल भर अगर उस स्कूल का खाद्य सामग्री वितरण अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है, तो वो भी जो है शाला विकास समिति के माध्यम से इस न्योता भोजन योजना के तहत किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी पहल है ये। न्योता भोजन में तीन प्रकार के भोजन वितरित किए जाएंगे। पूर्ण भोजन यानी कि शाला के सभी कक्षाओं के लिए, आंशिक पूर्ण भोजन यानी कि शाला के किसी एक कक्षा विशेष हेतु, और अतिरिक्त पूर्ण पोषण सामग्री यानी कि कोई चाहे तो राशन सामग्री भी ला करके जमा कर सकता है, बाद में स्कूल वाले बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये है आपका न्योता भोजन योजना। न्योता भोजन समुदाय के सक्षम लोग भी विवाह के वर्षगांठ, जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्व आदि विशेष अवसरों पर स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन पदार्थ उपलब्ध करा सकेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है न्योता भोजन योजना। 21 फरवरी 2024 मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जी के जन्म दिवस के रोज इन्होंने अपने ग्राम बगिया ग्राम के आश्रम स्कूल से इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आपके वर्ष 2022 और 2023 के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार का घोषणा किया गया। 2022 और 2023 दो साल के लिए एक साथ किया गया है। तो हमारे प्रदेश के दो कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। एक है आपकी पूनम तिवारी और दूसरी है आपकी संप्रिया पूजा निषाद। ठीक है, पूनम तिवारी जी को वर्ष 2022 के संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो आपकी पूनम तिवारी है ये हमारे प्रदेश की लोक गायिका है, प्रदेश की एक लोक गायिका है और इनकी लोक कला मंच का नाम है रंग छत्तीसा। ठीक है, इनकी जो आपका लोक कला मंच का नाम क्या है, रंग छत्तीसा इनका नाम है, इनकी कला मंच का नाम है। जबकि जो संप्रिया पूजा निषाद है इन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे प्रदेश की पंडवानी गायिका है। ठीक है, प्रदेश की ये क्या है, पंडवानी गायिका है, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो पूनम तिवारी को। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, संप्रिया पूजा निषाद को। पूनम तिवारी का संबंध किस क्षेत्र से है, लोक गायिका है। संप्रिया पूजा निषाद का संबंध किस क्षेत्र से है, पंडवानी गायिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नियद निल्लानार योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नियत निल्लानार योजना की घोषणा 15 फरवरी 2024 को की गई। ठीक है, इसका इस ये जो नियत निल्लानार योजना है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जनजातीय बोली में लिखा गया है नियत निल्लानार। इसका नाम होता है आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज, इंग्लिश में योर गुड विलेज, आपका अच्छा गांव। ये जो नियत निल्लानार है ये स्थानीय दंडामी बोली, दक्षिण बस्तर में बोले जाने वाली जो बोली है उसमें इस योजना को नाम दिया गया नियत निल्लानार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि नियत निल्लानार का मतलब क्या है, आपका अच्छा गांव। ठीक, ये जो आपकी योजना है ये माओवादी प्रभावित क्षेत्र जैसे कि दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कांकेर को भी इसमें शामिल किया गया है, में विकास कैंप यानी कि जहां पर पुलिस कैंप है, पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित आसपास के गांव में यह योजना लागू की जाएगी। ठीक है, ये जो नियत निल्लानार योजना है ये पुलिस कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में, परिधि में जो भी गांव आएंगे उसमें जो है इस नियत निल्लानार योजना को लागू किया जाएगा। अभी इस पर विचार चल रहा है, घोषणा कर दिया गया है 15 फरवरी 2024 को, इस पर भी आपके विचार चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत
बस्तर अंचल के नक्सल प्रभावित जिलों में 16 नवीन कैंप यानी कि पुलिस कैंप 16 नवीन कैंप के समीप स्थित 58 गांवों के विकास कार्यों को सुनिश्चित करने सहित ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जोड़ दिया जाएगा इस नियत निल्लानार योजना के माध्यम से। विशेष क्या है, इन गांवों को केंद्र के पीएम जनमन कार्यक्रम के समान सुविधाएं मिलेगी, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम से ही आपका प्रेरित है। ठीक, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, यानी कि जो वहाँ पे मूलभूत जो बुनियादी सुविधा है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, वहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण कराना, ठीक है, पेयजल आपूर्ति करना, सोलर पैनल लगाना, ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पे पूरे की जाएगी विकास कैंप या पुलिस कैंप के माध्यम से। उनके आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले गांवों को, पूरे प्रदेश में नहीं, नक्सल प्रभावित जिलों में मुख्यतः दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और कांकेर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर इसमें अन्य बात हम करें तो देखिए, इस दिशा में चिन्हित 32 योजनाओं एवं सेवाओं को कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, मोबाइल टावर इत्यादि बुनियादी ढांचागत अधोसंरचना विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की निर्देश दिए गए हैं, ताकि बस्तर के इन माओवादी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में ये नए कैंप सुरक्षा के साथ साथ विश्वास और विकास के भी कैंप साबित हो। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें जो नक्सलवादी है वो आसपास के ग्रामीणों से काफ़ी घुले मिले रहते हैं। ठीक, जो नक्सलवादी है उनको जनरली पहचाना नहीं जा सकता, वो आम गांव के लोगों के बीच में घुल मिल करके बाजार में जाकर के राशन खरीद रहे, सब्जी खरीद रहे, क्योंकि किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं है कि वो नक्सलवादी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने गांव का विश्वास, गांव वालों का विश्वास जीत के रखा है, या फिर गांव वालों को उन्होंने डरा करके रखा है कि कोई मुखबिरी करेगा तो हम उनकी हत्या कर देंगे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं भी हुई है। तो इस विकास कैंप के माध्यम से जो है उन गांव वालों का विश्वास और विकास जो है ये जीतने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के माध्यम से, और गांव की अधोसंरचना का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप। ये जो आपका आकाशदीप सम्मान है ये अमर उजाला समूह के द्वारा इस सम्मान को प्रदान किया जाता है, जो कि सर्वोच्च शब्द सम्मान के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है या इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये वर्ष 2018 में हुई थी। ठीक है, इस साल यह पुरस्कार जो है 2 साहित्यकारों को प्रदान किया जा रहा है। एक है विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार है, विनोद कुमार शुक्ल जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए, और MT वासुदेवन नायर जो कि केरल राज्य से है, इन्हें मलयालम साहित्य के लिए दिया जाता है। यानी कि जो पुरस्कार है ये सर्वोच्च शब्द सम्मान है जो कि हिंदी भाषा या हिंदी के इतर अतिरिक्त भाषाओं में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये है आपके विनोद कुमार शुक्ल जी और ये है MT वासुदेवन नायर, हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, केरल के साहित्यकार, हिंदी भाषा के लिए, मलयालम साहित्य के लिए इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक में गंगा की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, तो ये है आपका सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप से प्रदेश के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया, विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा साहित्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 6 फरवरी 2024 को प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में हुआ। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ, तो याद रखना इस साल इसके 31वें संस्करण का आयोजन हुआ है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को इस आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ। कहां पर हुआ, डोंगरगढ़ में, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ स्थल पर। ये आप जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देख रहे हैं, जब कभी भी आप में से बहुत से लोग कभी ना कभी बम्लेश्वरी माता के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ गए होंगे, सड़क मार्ग के माध्यम से जब आप जाएंगे तो एक पहाड़ के ऊपर विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा खुले आसमान में बैठी हुई है।
ठीक है, ये मूर्ति बना करके वहाँ पर रखा गया है, वही है, वहीं पर आपका आयोजित होता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। इस साल इसका 31वां संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है, जिस पहाड़ी पर है वो है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। ठीक, नेतृत्व, इस आपके सम्मेलन का नेतृत्व धम्मा सेना नायक आर्य नागार्जुन सुरई ससई के नेतृत्व में यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का जो है आपका नेतृत्व किया गया, इसे संपन्न किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है प्रासंगिक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित बुद्ध धम्म में इनका हल तलाशना, इस आपके अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क। ठीक है, एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान से संबंधित, खगोल, खगोल विज्ञान संबंधित, यानी कि वही आपका जो ग्रह नक्षत्र तारे आपके स्पेस अंतरिक्ष इसकी बात हो रही है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का एस्ट्रो पार्क, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो पार्क यह प्रस्तावित है आपके सूरजपुर जिला में। इस साल के छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में भी इसकी घोषणा की गई है कि छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क यह सूरजपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। इस एस्ट्रो पार्क का मुख्य उद्देश्य खगोल विज्ञान की लोकप्रियता जनमानस तक पहुंचाना, ठीक है, आम जनता को जो है खगोल विज्ञान से संबंधित उनमें जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर देखिए, अब एस्ट्रो पार्क के लिए सूरजपुर जिले को ही क्यों चुना गया, उसका कारण क्या है कि सूरजपुर जिले से होकर के कर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा या IST, ठीक है, भारतीय मानक रेखा जो आपका जिससे टाइम समय का निर्धारण होता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा ये गुजरती है, ये दोनों के दोनों का जो कटान बिंदु है ये है सूरजपुर जिले में। अब देखिए, बहुत से पुस्तकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि कर्क रेखा और IST रेखा यानी कि भारत मानक रेखा, आपका भारत मानक रेखा, ये दोनों एक दूसरे को किस जिले में काटती है। कुछ पुस्तकों में कोरिया जिला दिया गया है और वो इसलिए दिया गया है नो डाउट क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन में उसका आंसर कोरिया जिला लिया गया है, इसीलिए उन पुस्तकों ने अपने भी बुक में, इसलिए जो मार्केट में जो पब्लिकेशन है उन्होंने अपने बुक में इनका कटान बिंदु कोरिया में दर्शाया है। लेकिन अगर वास्तविक बात किया जाए और नेशनल लेवल में भी इस स्थान का नाम काफ़ी फेमस है कि सूरजपुर जिले के आपका भैंसा मुड़ा जो कि प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सूरजपुर जिले के भैंसा मुड़ा में कर्क रेखा और आपकी IST रेखा एक दूसरे को काटती है, यहाँ तक कि सूरजपुर जिले के जिला प्रशासन के द्वारा इस भैंसा मुड़ा नामक स्थान पर जहाँ पे कर्क रेखा और IST रेखा एक दूसरे को काटती है वहाँ पर एक स्टेज भी तैयार किया गया है, वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा हाईलाइट भी किया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि इस स्थान पर कर्क रेखा और IST रेखा का कटान बिंदु है करके। ठीक है, चिप्स के वेबसाइट में अलग दिया गया है, दूसरे किसी अन्य सोर्स में अलग दिया गया है, कुछ पुस्तकों में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब बजट में घोषणा किया गया है कि सूरजपुर में जो है प्रदेश का पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा। आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा उससे क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम कर्क रेखा की बात करें जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ये हमारे प्रदेश के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर जिले से होकर के गुजरती है। जबकि IST भारत मानक रेखा की बात करें तो ये 7 जिलों से होकर क्रमशः कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद से होकर गुजरती है। यानी कि कर्क रेखा और IST रेखा दोनों के दोनों जो है आपके सूरजपुर जिले में इनका कटान बिंदु है। ठीक है, विशेष देश के सूरजपुर के देश में जो है हमारे प्रदेश का जो सूरजपुर जिला है, सूरजपुर का भैंसा मुंडा जो कि प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एकमात्र स्थान है जहां पर कर्क रेखा और भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। यहां तक कि नेशनल लेवल के करंट अफेयर में भी ये भैंसा मुंडा नामक स्थान काफ़ी फेमस है। एस्ट्रो पार्क में कुछ इस प्रकार का बनाया जाएगा, बीच में सूर्य है, आजू बाजू प्लैनेट है लोगों को जागरूक करने के लिए। अब मैं जिस इमेज की बात कर रहा था वो इमेज ये है, ये देखिए, ये जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया है कि कर्क रेखा 23.5 अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, आपकी भारतीय मानक रेखा समय रेखा 82.5 यानी कि 82 डिग्री आपके 23
इसमें ये देशांतर भारत में 5 राज्यों से वो गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये दिया गया है। ध्यान दीजिए, विशेष पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर कर्क, जहाँ पे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, वह स्थान जिला सूरजपुर जिले में स्थित है। सेल्फी पॉइंट जिला प्रशासन सूरजपुर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जिला प्रशासन सूरजपुर। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें अच्छे से तो नेट में सर्च कीजिएगा, नेट में आपको ये इमेज मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जिला प्रशासन सूरजपुर, इसको जूम करूँगा तो ये ब्लर हो जाएगा, और ठीक है ये कोई बनाया गया इमेज नहीं है, वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिला प्रशासन सूरजपुर के द्वारा लगाया गया है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पूरे भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पे कर्क रेखा और भारत मानक रेखा, भारत मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है, वह स्थान जिला सूरजपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए, 115वां मंदकू द्वीप मसीही मेला, इसका आयोजन जो है 7 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2024 के मध्य किया गया, ठीक। ये जो आपका मंदकू द्वीप है, मंदकू द्वीप का जो है ये आपके शिवनाथ व मनियारी नदी के संगम पर स्थित है, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप है, मुंगेली जिले में स्थित है। मसीही मेला, मसीही मेला जो आपके क्रिश्चियन समुदाय है, ठीक है, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन समुदाय का हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन वर्ष 1909 से होता आ रहा है, ठीक है। ईसाई धर्म का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है मंदकू द्वीप। बैतालपुर, देखिए वर्ष 1909 से इस मेले का आयोजन होता आ रहा है, इस बार इसका 115वां संस्करण इस मेले का जो है आयोजित हुआ, वर्ष 1909 से इस मेले का आयोजन हो रहा है। एक्चुअली में जो एमपी में जो बैतालपुर है, बैतालपुर में क्रिश्चियन लोगों की बस्ती है पहले के समय से, अंग्रेज के ज़माने से वहाँ इस वो जो है आपके बैतालपुर के क्रिश्चियन लोग वहाँ से इस द्वीप पर आना जाना शुरू हुआ, उसके बाद से ही यहाँ पर मेले का आयोजन शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि मसीही मेले का आयोजन कहाँ होता है, मुंगेली जिले में आपके मंदकू द्वीप में शिवनाथ और मनियारी के संगम स्थल पर, ठीक। इसका आयोजन कब से हो रहा है, वर्ष 1909 से। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है राजनांदगांव जिले के ग्राम ढाबा के बैरन पहाड़ी क्षेत्र में। देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोलर पैनल स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना जो है ये क्रेडा के द्वारा सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी और छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसकी जिम्मेदारी क्रेडा के द्वारा सौंपी गई थी। इसमें सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है 100 मेगावाट का, जबकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्थापित किया गया है 120 मेगावाट का। यानी कि सोलर पैनल के माध्यम से 100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, जबकि इसके साइड में जो बैटरी रखी गई है उस बैटरी की जो स्टोरेज क्षमता है वो है 120 मेगावाट, यानी कि उत्पादन से ज़्यादा। ऐसा नहीं, देखिए अगर कोई संयंत्र 100 मेगावाट उत्पादन कर रहा है तो बैटरी की क्षमता उससे ज़्यादा ही होगी, स्टोरेज कैपेसिटी उससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज ये जो है आपका कहाँ पर स्थापित है, राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी ग्राम ढाबा में स्थित है, ठीक। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना का निर्माण प्रारंभ हुआ था वर्ष 2016 से, फरवरी 2024 में इसका निर्माण पूर्ण हो चुका है, ठीक है, और ये संयंत्र प्रारंभ भी हो गया है फरवरी 2024 में। विशेषता क्या है, इसमें 660 क्षमता के कुल 2.39 लाख बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किए गए हैं, जिससे पैनल में दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा। यानी कि जो सोलर पैनल इसमें जो स्थापित किए गए हैं, सुबह के समय पूर्व दिशा से जब सूर्य आपका निकलता है और पश्चिम दिशा में ढलता है तो उसमें देखिए दोनों तरफ से जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होगी इस सिस्टम में, ठीक है। लगभग 4.5 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का पहला सबसे बड़ा सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है, राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र में इसे स्थापित किया गया है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है, देखिए यह इमेज,
इतने बड़े एरिया में जो है, ये जो आप ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हैं ना, ये पूरे के पूरे सोलर पैनल बिछे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है झुमका जल महोत्सव। झुमका जल महोत्सव, झुमका जो है ये एक डैम है, ठीक है, झुमका डैम है जो कि आपके कोरिया जिले में स्थित है, बैकुंठपुर में स्थित है आपका झुमका जलाशय। उस झुमका जलाशय क्षेत्र में झुमका जल महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी व 2 फरवरी यानी कि 2 दिवसीय मेले का महोत्सव का आयोजन हुआ। तो झुमका महोत्सव का आयोजन कब हुआ पूछा जाए तो 1-2 फरवरी को इसका आयोजन हुआ। झुमका महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ, कोरिया जिले में जो है झुमका महोत्सव का आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना, इस योजना की शुरुआत, देखिए ये केंद्रीय योजना है, ठीक है, ये जो है केंद्रीय योजना है, लेकिन इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ से हुई है। ठीक है, केंद्र सरकार की एक योजना है, काफ़ी पहले इस योजना की घोषणा की गई थी, इस योजना की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। 19 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह में इस आपके पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत हुई। पीएम श्री, ठीक है, पीएम श्री इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री का फुल फॉर्म है। ठीक है, योजना केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत बनाना, यानी कि वहां पर अधोसंरचना का विकास करना। ठीक है, देश भर में, देखिए इसका लक्ष्य क्या है, देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों का उन्नयन एवं विकास किया जाएगा इस पीएम श्री स्कूल योजना या प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के माध्यम से। देखिए योजना की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, योजना का फुल फॉर्म क्या है, योजना का उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट और क्या है कि इस योजना के तहत पहले चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन किया गया है। 211 में से 193 प्राथमिक स्तर और 18 माध्यमिक स्तर के स्कूल है। इन स्कूलों में जो है, देखिए 211 स्कूलों को प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपए के खर्च करके हब एंड स्पोक मॉडल पर अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो यह है पीएम श्री योजना। इससे रिलेटेड अगर कुछ और फैक्ट देखने हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए मॉडल के तहत हब नामक सलाहकार संस्था को केंद्रीकृत किया जाएगा और आत्म सुधार के लिए सलाहकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से स्पोक की माध्यमिक शाखाओं के माध्यम से सलाहकार संस्था का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति है के तहत केंद्र की योजना वर्ष 2025-26 शैक्षणिक सत्र से छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 2 बार बैठने का मौका मिलेगा। ये घोषणा किया गया था कि अब से जो है हमारे प्रदेश में जो बोर्ड क्लास है यानी कि 10वीं और 12वीं उसमें 2 बार आपके एग्जाम होंगे, एक आपके मार्च के महीने में और दूसरा जून जुलाई के महीने में 2 बार एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होंगे। यानी कि मान लीजिए किसी छात्र के पहले बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में कम आए हैं, फिर सेकेंड बार जब उसने अटेम्प्ट किया तो हिंदी में ज़्यादा आ गया, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट में, दोनों बोर्ड, दोनों एग्जाम में से एक सब्जेक्ट में जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आएगा उसके आधार पर आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो यह है पीएम श्री योजना। कब शुरू हुआ, 19 फरवरी 2024 को। कहाँ से हुआ, रायपुर से इसकी शुरुआत हुई। फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन हुआ है, 211 जिसमें 193 माध्यमिक और 193 प्राथमिक और 18 माध्यमिक शालाएं हैं। नेक्स्ट, आचार्य विद्यासागर महाराज, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फरवरी के करंट अफेयर के हिसाब से। आचार्य विद्यासागर महाराज ये किस धर्म या किस संप्रदाय से है पूछा जाए तो ये जैन धर्म या जैन संप्रदाय से संबंधित है। कौन है ये, जैन धर्म के एक महान संत एवं समाज सुधारक है। ठीक, चर्चा में क्यों रहे, 18 फरवरी 2024 को जैन मुनि विद्यासागर जी का डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थान चंद्रगिरी में निधन हुआ है। ठीक है,
चंद्रगिरी में निधन हुआ। आप सभी जो है जैन मुनियों को आप देखे ही होंगे, ये किसी एक स्थान पर नहीं रहते, ये पैदल ही पूरे भारत भ्रमण पर निकलते हैं, ठीक है, जगह जगह जाकर के अपने उपदेशों को देते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं। इनमें दो इनके संप्रदाय है, एक है आपका श्वेतांबर और एक है आपका दिगंबर। श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो कि कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते, ठीक है, अपने शरीर पर कोई भी अंग वस्त्र यह धारण नहीं करते। तो ये दिगंबर संप्रदाय के थे जैन मुनि विद्यासागर महाराज जी, ठीक है, और उनका निधन हमारे छत्तीसगढ़ की भूमि पर हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ, चंद्रगिरी और जो आपका स्थान है वहाँ पर इनका निधन हुआ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ी, ये कौन से धर्म का प्रमुख केंद्र है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। इससे पहले हमने देखा था 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ हुआ, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, राजनांदगांव जिले में स्थित प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कौन से धर्म का प्रमुख केंद्र है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। एक है आपके डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी जहां पर क्या है, बम्लेश्वरी माता का प्रमुख आपका मंदिर है, शाक्त धर्म हिंदू धर्म का आपका मंदिर है, ठीक है। तो ये जो आपके डोंगरगढ़ में ये तीन पहाड़ियां आपस में एक दूसरे के नजदीक है, डोंगरगढ़ की पहाड़ी हिंदू धर्म या आपका शाक्त धर्म, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी बौद्ध धर्म, आपके चंद्रगिरी की पहाड़ी जैन धर्म, ये तीनों के तीनों पहाड़ एक वो ये तीनों पहाड़ के बीच में एक बन रहा है पिलग्रिम, पिलग्रिम आश्रम या पिलग्रिम आपकी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है प्रसाद योजना के तहत। आप पढ़ेंगे उसको आगे जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें आपके पर्यटन के अंतर्गत आपका पिलग्रिम की भी जिक्र किया गया, प्रसाद योजना के तहत जो है श्रीयंत्र पिलग्रिम सेंटर बनाया जा रहा है, श्रीयंत्र यानी कि उसको टॉप से इस पहाड़ियों में चढ़ करके टॉप से देखेंगे तो उसमें जो है श्रीयंत्र का स्ट्रक्चर दिखेगा उस इमारत में। तो याद रखिएगा कि राजनांदगांव जिले के आपके डोंगरगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर बम्लेश्वरी माता का मंदिर है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जो कि आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, चंद्रगिरी की पहाड़ी जो कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। इनके निधन के पश्चात इनका उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, यानी कि आचार्य विद्यासागर जी का उत्तराधिकारी बनाया गया है मुनि ज्ञान सागर को, ठीक है। आचार्य विद्यासागर जी का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में। इनकी माता का नाम है श्रीमंती और इनके पिता का नाम है मलप्पा, ठीक है। श्रीमंती जो कि बाद में ये जो है आर्यिका समयमती के रूप में इन्होंने दीक्षा लिया, ये भी आपके जैन साध्वी थी, ठीक है। और जो इनके पिता थे उन्होंने बाद में जो है मुनि मल्ली सागर के रूप में जो है इन्होंने दीक्षा लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आर्यिका है, जैन धर्म में मुनि और एक है आपका आर्यिका, याद रखना, ठीक है, जीएस का पोर्शन है। जो जैन साधु है उन्हें जो है मुनि कहा जाता है और जो जैन साध्वी है उन्हें आर्यिका के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। इन्होंने दीक्षा ली थी 30 जून 1968 को अजमेर में, जैन आचार्य ज्ञान सागर जी ने इन्हें दीक्षा दी तथा आचार्य का पद भी दिया, यानी कि इनके नाम के आगे जो आचार्य लगा हुआ है आचार्य का पद इन्हें प्रदान किया। इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक, सुनीति शतक और सरमाना शतक शामिल है। इन्होंने काव्य मुखमाटी की भी रचना की है, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। देखिए ये एक बहुत बड़ी शख्सियत थे या बहुत बड़े आपके जैन आचार्य थे, इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की भूमि में इन्होंने अंतिम सांस ली, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये जो है अगर आप देखेंगे मैं आगे आपको दिखाऊंगा, देखिए 11 फरवरी को जो है आचार्य विद्यासागर महाराज को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड
के देवता के रूप में सम्मानित किया गया। कुछ कुछ जो है आज मतलब अभी के समय की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ आपके जैन मुनि या जैन आचार्य जो जिन्हें जैन धर्म में काफ़ी माना जाता है, जैसे कि एक निधन हो गया है आपके तरुण सागर जी जो कि अपने कड़वे वचन के लिए काफ़ी फेमस थे, वो उन्हें भी जो है जैन धर्म में काफ़ी माना जाता था। वैसे ही है आपके आचार्य विद्यासागर जी, इन्हें भी जो है जैन धर्म में काफ़ी महत्व, काफ़ी इन्हें माना जाता था, ठीक है, देव तुल्य इन्हें पूजा जाता है, ठीक। तो इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। अगर इनके जीवन से संबंधित पुस्तकों की हम बात करें तो इनकी जीवनी या आत्मान्वेषी, ठीक है, इनके जीवन पर आधारित इनकी जीवनी ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा था इनके शिष्य मुनि क्षमा सागर ने, और इनके जीवन पर आधारित काव्य लिखा था आनासक्त के नाम से मुनि प्रणमय सागर जी के द्वारा, ठीक है। ये इनके जीवन पर आधारित कुछ पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में प्रज्ञागी क्षेत्र में इन्होंने संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण का त्याग किया, ठीक है। संलेखना विधि, देखिए बहुत कठोर विधि है प्राण त्यागने का, ये आम जनता के लिए, लेकिन ये है जैन आचार्य जैन मुनि। इसमें क्या होता है कि जब किसी जैन मुनि या किसी जैन आचार्य को लगता है कि उनका अंतिम समय आ गया है तो वो सुख का मार्ग यानी कि संलेखना अपनाते हुए दुख से दूर होकर के एक जगह पे एक मुद्रा पर बैठ जाते हैं, उपवास करते हैं, अन्न जल का त्याग करके शरीर का त्याग करते हैं, अपने देह का त्याग करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या उनके बुढ़ापा का अंतिम चरण आ गया है, ठीक है, जिससे निदान नहीं पाया जा सकता, तो वो कष्ट के मार्ग को छोड़ करके सुख के मार्ग को अपना करके एक स्थान पर एक मुद्रा में बैठ करके अन्न जल का त्याग करके अपने शरीर का त्याग, देह का त्याग कर देते हैं, ठीक है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में जो है आपके 18 फरवरी 2024 को, इस डेट को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैन मुनि विद्यासागर जी ने संलेखना विधि के माध्यम से अपने देह का त्याग किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। लगभग 2 दिन पहले से जो है ये संलेखना विधि के तहत अन्न जल का त्याग करके एक स्थान पर एक मुद्रा में बैठ गए थे, ठीक। देखिए आगे आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा, ये तो मैंने आपको बता दिया 11 फरवरी यानी कि जो बीता हुआ आपका ये 11 फरवरी है, इसमें ही जो है आचार्य विद्यासागर महाराज जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रह्मांड के देवता के रूप में भी सम्मानित किया गया था, ठीक। देखिए संलेखना क्या है, संलेखना समाधि, जैन धर्म की समाधि लेने को संलेखना कहा जाता है। जैन मान्यताओं के मुताबिक सुख के साथ बिना किसी दुख के मृत्यु को धारण करने की प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर किसी जैन मुनि या किसी जैन आचार्य को लग रहा है कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, या किसी वो बड़ी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में वो दुख के मार्ग को छोड़ करके, ठीक है, दुख के मृत्यु को धारण करने की प्रक्रिया, किसी दुख के मृत्यु को धारण करने की, देखिए सुख के साथ बिना किसी दुख के मृत्यु को धारण करने की प्रक्रिया, ये है संलेखना विधि। एक स्थान पर एक मुद्रा पर बैठ जाते हैं, अन्न जल का त्याग करके ये अपने देह का त्याग, अंतिम सांस लेते हैं, ठीक है। देखिए इनके शरीर अगर आप देखेंगे उपवास के बाद ऐसे कुछ थे, ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनसे मिले थे, ठीक। प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर प्रतिवर्ष अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, अभी केवल घोषणा किया गया है, इनके नाम पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है, देखिए जो संलेखना है, संलेखना को, ये जो संलेखना विधि है, संलेखना को समलेहना, संथारा, समाधि मरण या संन्यास मरण के रूप में भी जाना जाता है, इनके अन्य नाम को भी याद रखिएगा, संलेखना को समलेहना, संथारा, समाधि मरण, संन्यास मरण के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप भारतीय इतिहास पढ़े होंगे तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे,
इन्होंने भी अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना के माध्यम से ही अपने देह का त्याग किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है आपके जैन आचार्य विद्यासागर जी, और ये है उनके अंतिम क्षण जब उन्होंने संलेखना विधि के माध्यम से देह का त्याग किया। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 21 स्टेशनों का पुनर्विकास। ये जो स्टेशन है, देखिए छत्तीसगढ़ में 21 स्टेशनों का पुनर्विकास, ये अमृत स्टेशन योजना के तहत द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये पिछले साल का करंट अफेयर था, मैंने करंट अफेयर की बुक में मेंशन भी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 अगस्त 2023 को इस अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत भारत के बहुत से स्टेशनों का, लगभग जो है 1275 स्टेशनों का चयन करके उनमें अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि रूफ टॉप बनाना, उसमें जो है एक हाई क्लास एंट्रेंस गेट बनाना, जैसे कि एयरपोर्ट में होता है एंट्री गेट, एंट्रेंस गेट बनाना, उसमें जो है आउटर गेट बनाना, या वहाँ पे जो है आपके यात्रियों के लिए जो है वेटिंग रूम बनाना, यानी कि एक स्टेशन को डेवलप करना, ठीक है, मॉडर्न तरीके से उसे डेवलप करना। ठीक है, तो ये था आपका अमृत स्टेशन योजना, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके प्रथम चरण में, ठीक है, फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल 7 स्टेशनों का चयन हुआ था। ठीक है, 7 स्टेशनों का चयन हुआ और इस पर जो है प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई थी। नाम बता रहा हूँ, याद रखना, 7 स्टेशन का कौन कौन से है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, तिलदा नेवरा, अकलतरा और महासमुंद। कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, तिलदा नेवरा, अकलतरा, महासमुंद, पहले इनका नाम याद रखिएगा। अब 21 स्टेशनों का चयन किया गया है। ठीक है, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर रोड, अंबिकापुर, उसलापुर, पेंड्रा रोड, जांजगीर नैला, चांपा जंक्शन, बाराद्वार, दल्ली राजरा, भानुप्रतापपुर, निपनिया, मंदिर हसौद, भिलाई। ठीक है, ये भिलाई है, भिलाई और भिलाई पावर हाउस दोनों अलग अलग स्टेशन है। तो द्वितीय चरण में टोटल 21 स्टेशनों का चयन किया गया है इस अमृत स्टेशन योजना के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सिटी सेंटर के रूप में पुनर्विकास, रूप प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए क्षेत्र आदि जैसे सुविधाएं प्रदान की जाएगी। अलग 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 प्रवेश एवं निकास द्वार बनाए जाएंगे, बहुस्तरीय पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, लाउज, प्रतीक्षालय, ट्रैवलेटर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं दी जाएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के एकीकरण से पुनर्विकसित स्टेशन क्षेत्र सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाएंगे। ठीक है, यह है आपका अमृत स्टेशन योजना, जिसके प्रथम चरण में 7 स्टेशनों का, द्वितीय चरण में 21 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट देखिए कुछ मिसलेनियस। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस क्षेत्र से पूछा जाए, तो याद रखिएगा गुमशुदा बच्चों के तलाश से संबंधित ऑपरेशन है मुस्कान। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा प्रदेश भर में जो गुमशुदा बच्चे हैं उनके खोज के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन, इसका नाम क्या है, गुमशुदा मुस्कान। अभी हाल ही में CSEB एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि ऑपरेशन हेलो या हेलो मिशन करके आया था। ठीक है, ये इसका संबंध किस क्षेत्र से था, इसका संबंध था नशे के विरुद्ध, मैंने करंट अफेयर के बुक में लिखा भी था, इससे क्वेश्चन आया भी है, नशे के विरुद्ध अभियान जो चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, वो था आपका ऑपरेशन हेलो। ठीक है, नशे के विरुद्ध जागरूकता, तो इस ऑपरेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑपरेशन मुस्कान। इससे ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किस क्षेत्र से है, गुमशुदा बच्चों के तलाश से संबंधित है। नेक्स्ट है कुदरी बैराज। कुदरी बैराज जो है ये हसदेव नदी के ऊपर निर्मित है, जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। राजपुरी जलप्रपात किस जिले में है, जशपुर जिले में है।
कुमेली घाट जलप्रपात किस जिले में है पूछा जाए तो सूरजपुर जिले में स्थित है कुमेली घाट जलप्रपात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। फुलपाड़ पर्वत और फुलपाड़ झरना, ठीक है, पर्वत से ही झरना नीचे गिरता है। फुलपाड़ पर्वत या फुलपाड़ झरना किस जिले में पूछा जाए तो दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। देश की 6वीं साइंस सिटी विज्ञान नगरी कहाँ प्रस्तावित है तो ये प्रस्तावित है आपके रायपुर जिले में। रामाराम मेला सुकमा, ठीक है, सुकमा का रामाराम मेला जो कि राम वनगमन पथ के स्थानों में से एक स्थान था, ठीक है, अभी तो राम वनगमन पथ का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, प्रदेश सत्ता परिवर्तन के बाद ये योजना भी मुझे लग रहा है कि ठंडे बस्ते में चला गया है फिर, ठीक, हो सकता है कि आने वाले समय में इसे नए नाम से रीब्रांडिंग करके फिर से लॉन्च किया जाए। रामाराम मेला जहाँ पर रामाराम जहाँ पर चिटमिटीन माता का मंदिर है, ठीक है, सुकमा में 19-20 फरवरी को मेले का आयोजन हुआ। मधुरांतक देव का प्राचीन किला कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो बोधरागढ़ चोड़ी घाट बस्तर में, चोड़ी घाट जहाँ पर आपका इंद्रावती और मार्कंडी नदी का संगम है वहाँ पर। 10वीं सदी का भंवर गणेश की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है पूछा जाए तो बिलासपुर के मस्तूरी में। देखिए ये जो भंवर गणेश की प्रतिमा है 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है, ये प्रतिमा मंदिर से अब तक कुल 4 बार चोरी हो चुका है, ठीक है, बहुत बार इसे चोरी का प्रयास किया गया है लेकिन बार बार पुलिस पकड़ चोरों से इस मूर्ति को चोरों को पकड़ करके मूर्ति को वापस ला करके मंदिर में स्थापित कर देती है। लेकिन इतनी प्राचीन प्रतिमा जिसकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है और ये अब तक 4 बार चोरी हो चुका है, ठीक। देश का पहला पूर्णतः स्वचलित फिश फीड प्लांट कहाँ पर स्थापित है पूछा जाए तो राजनांदगांव जिले के सुखरी ग्राम में एबिस कंपनी का देश का पहला पूर्णतः स्वचलित फिश फीड प्लांट स्थापित किया गया है। देश का पहला गौ माता मुक्ति धाम कहाँ स्थित है पूछा जाए तो रामानुजगंज बलरामपुर में देश का पहला गौ माता मुक्ति धाम, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके देह को मुक्ति धाम में ले जाकर के उसे जलाया जाता है, उसी प्रकार से गौ माता को समर्पित मुक्ति धाम बनाया गया है आपके रामानुजगंज बलरामपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 फरवरी 2024 को आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला 14 जून 2018 को रखी गई थी। देखिए ये एक औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जबकि इसमें शैक्षणिक सत्र ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके थे। तो ये है आपके फरवरी महीने के करेंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ आपका समाप्त होता है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का बुक मार्केट में अवेलेबल है, जिसे आप अपनी नज़दीकी बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट से जब भी जाकर के इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। लास्ट देखिए, समय बीतने का इंतजार मत कीजिएगा, आंकड़े याद करने में बहुत समय लगता है, समय रहते बुक को लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम में मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट पीएससी प्री एग्जाम से पहले जनवरी के एंडिंग में बुक को ढूंढ रहे थे, जबकि जनवरी से पहले ही हमारा स्टॉक खत्म हो चुका था, ठीक है। तो बाद में लेने से बेटर है आप अभी समय रहते ले लीजिए, और उसमें बहुत सारे आंकड़े पढ़ने के लिए है, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए।